जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है, डरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है, वो कोर्ट में मामला जाएगा, तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हरे, आप चित्रकूट हरे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे, आप रामेश्वरम में हरे, आप रामटेक में हरे, जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। एनसीपी राजीव पवार की जो पार्टी उसने अच्छा नहीं किया, छगन भुजबल कह रहे हैं हमें चार सीटें दी गई उसमें से हम एक जीत के आए, बाकी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए बाकी चीजें। देखिए उनकी पार्टी है, गुलाम ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते। गुलाम जो होता है किसी पार्टी का आश्रित होता है। जब ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी तो सभी राजे राजवाड़े उनके गुलाम थे, जिसे आप मराठी में मांडलिक बोलते हैं, सभी उनके चाकरी में थे, उनके सेवा में थे। जो तनख्वाह उनसे मिलती थी उस पर खुश थे, इंदिरा गांधी ने तनख्वाहें बंद कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात तो है, अब उसके जो आश्रित राजा है सब, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे और कोई हो, वो अभी कहाँ से आवाज़ उठाएंगे? वो तो आश्रित है। ये तो ईडी सीबीआई की फाइलें आपकी खुल जाएगी, आप चुप बैठिए। बीएचपी ने भी अब आरएसएस की तरह नाराजगी दिखाई है इन पर, ये कहते हुए कि 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देने का जो फैसला लिया है सरकार ने, अगर वो पीछे नहीं लेती है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। कर लीजिए, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? ये आपकी सरकार है, अपनी सरकार लाई है। तो गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है अजीत डोवाल को और पीके मिश्रा को, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन दोनों को वापस से रीअपॉइंट किया है। प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, ये कोई राजनीतिक उसका ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है और प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट करते हैं।